तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, डंकी का टीजर आ चुका है कल को, और जिसके लिए बहुत ज़्यादा वेट था, मतलब लोग इतने काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे कि डंकी का टीजर आए, क्योंकि शाहरुख खान की जो इस बार फॉर्म चल रही है ना, सुपर सॉलिड फॉर्म चल रही है। 2018 के बाद ये 4 साल के लिए वनवास में चले गए थे, क्योंकि जीरो मूवी बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी। उसके बाद एक दो मूवी और गई थी, उन्होंने गैप लिया, अच्छा खासा टाइम लिया, अच्छे से उन्होंने काम किया, और जो काम किया है वो हमें देखने को भी मिला। पठान आई फाड़ के गई, जवान आई फाड़ के गई, डंकी का टीजर आया भाई कल, तो देखकर पूरा साफ लग रहा है कि ये भी फाड़ के जाने वाली है। लेकिन 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 हेटर्स की कोई कमी नहीं है, कंपैरिजन कमी निकालने वाले की कोई कमी नहीं है, ज़बरदस्ती के कंपैरिजन सेट करे जा रहे हैं। और ठीक है, एक बार के लिए चलो आप कंपैरिजन सेट कर भी रहे हो, तो यार एक बार देख लीजिए ना कि इसका कंटेंट अलग है, उसका कंटेंट अलग है, किसका, सालार का। तो ये दोनों मूवी वाकई में क्लैश तो कर रही हैं। 22 दिसंबर को दोनों मूवी रिलीज हो जाएंगी, लेकिन हाँ सेम टाइम पे ये हमें मिल जाएंगी देखने को दोनों मूवी, तो कंपैरिजन बहुत ज़बरदस्त सेट करे जा रहे हैं। सालार का अगर मैं बताऊं तो यार सालार का बिल्कुल कंटेंट अलग है, वो एक्शन मास मसाला है, उसमें हमें पूरी अलग दुनिया देखने को मिलेगी। एंड डंकी में हमें इमोशनल कॉमेडी, रियल लाइफ पर बेस्ड जो हमारे बीच से मुद्दे उठाए गए हैं उन पर बारीकी से दिखाया जाएगा, तो वो उसका कंटेंट अलग है। देखा जाए तो दोनों के कंटेंट अलग है भाई, तो इनमें कंपैरिजन तो देखा जाए तो एक बार के लिए बनता नहीं है। क्रिसमस में जो हॉलीडे मिलता है, 9 से 10 दिन का ज़बरदस्त हॉलीडे लगातार चलेगा, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई अगर आप एक एक्शन मास मसाला देख लिया, आपने सालार देख ली, तो ठीक है, अब आपको स्विच करना है, अब आपको अपना थोड़ा सा जोन चेंज करना है, तो डंकी में चले जाइए, वहाँ हंस के आइए, इमोशनली होके आइए, अपने लाइफ में जो कुछ चीज़ें पीछे छूट गई हैं उस चीज़ों को रियलाइज कराएंगे डंकी में, बहुत कुछ देखने को मिलेगा उसमें। सिर्फ ड्रॉप 1 में उन्होंने बहुत कम दिखाया है, अभी तो ड्रॉप 2 है, अभी बहुत कुछ है बाबा, ट्रेलर भी है, तो कंपैरिजन यार एक बार के लिए नहीं बनता है। लेकिन ठीक है, लोगों की मांग है, लोग यही कर रहे हैं, तो उस पर देखते हैं, थोड़ा सा आज ऑपरेशन करते हैं कि कौन सी मूवी फाड़ने वाली, कौन सी नहीं फाड़ने वाली है। देखा जाए तो दोनों मूवी फाड़ेंगी, डेफिनेट फाड़ेंगी, तो सभी चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे। लेकिन यार उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करना है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि हम भैया बहुत मेहनत करके आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लाते हैं जो आपको मजा दे जाएगा। तो ठीक है, शुरुआत डंकी के टीजर से करते हैं, क्योंकि ये नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है, और इस टीजर को अभी तक 21 आवर कंप्लीट हो चुके हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इस टीजर ने अभी तक 33.35 मिलियन व्यूज गेन कर लिए हैं। तो भाई साहब बहुत फास्ट तरीके से आगे बढ़ रहा है, और भी ज़्यादा व्यूज इसको मिल जाएंगे। लाइक्स की बात करें तो 8 लाख लाइक मिल चुके हैं, कॉमेंट की बात करें तो 33,700 कॉमेंट्स इसको मिल चुके हैं, और कॉमेंट बहुत मिक्सअप हैं, कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई नीचे गिरा रहा है, कोई कमियां निकाल रहा है, कोई बउआ जो जीरो फिल्म का है वो कैरेक्टर उसको निकाल के ऐसे कंपैरिजन सेट कर रहे हैं कि यार ये वही चीज़ है, हमें फिर वही दिखा रहे हैं। तो भाई साहब बउआ का कैरेक्टर बहुत दमदार कैरेक्टर था। दूसरी तरफ सालार के टीजर को देखें, जो अभी तक लाइफ टाइम व्यूज इसने कितने गेन कर लिए हैं, 130.89 मिलियन व्यूज इस टीजर ने गेन कर रखे हैं, लाइफ टाइम की बात कर रहा हूँ। अभी डंकी का टीजर अभी रनिंग पे है, तो ये कब 100 मिलियन भी कंप्लीट कर लेंगे आई डोंट नो, लेकिन सालार के टीजर को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। एक्शन मास मसाला के दुनिया में काफ़ी लोग फैन होते हैं, और उसे बहुत ज़्यादा बूस्ट भी किया है। खैर वो चीज़ अलग है, सबका अपना अपना हो रहा है। तो लाइक्स में अगर बताऊं तो 2.4 मिलियन लाइक्स इसको मिल रखे हैं लाइफ टाइम कलेक्शन में, और कॉमेंट्स की बात करें तो 1.2 लाख कॉमेंट इसमें आ रखे हैं, और बहुत से कॉमेंट इसमें सपोर्टिंग हैं, कुछ एक कमेंट इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन वाले हैं और कमियां निकालने वाले हैं, क्योंकि यस शाहरुख खान के फैंस हैं वो जाएंगे, ऐसा चलता रहता है, फैन वॉर चलती रहती है, उसमें बात नहीं करते हैं। तो जवान का दूसरी तरफ अगर जवान के प्रीव्यू को देखें, जो जवान का प्रीव्यू था बहुत अच्छा इसने रैंक किया था, 83 मिलियन लाइफ टाइम व्यूज आए हैं इसमें, और ट्रेलर में अगर मैं बताऊँ जवान के तो 69 मिलियन व्यूज आ रखे हैं। तो अगर देखा जाए तो प्रभास का स्टारडम बहुत खतरनाक लग रहा है, क्योंकि उसके टीजर में 130 मिलियन व्यूज आ रखे हैं, और जवान में शाहरुख खान का देखा जाए तो व्यूज के मामले में थोड़ा सा कम है, लेकिन फाड़ के तो जाने वाले हैं। सालार अपने रीजन पर फाड़ेगा और डंकी अपने रीजन पर फाड़ेगा,
तो यहाँ इतने जल्दी जजमेंट देना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। बजाय कंपैरिजन करने के, बजाय क्लैश करने के, हमें तो इन्हें एक अपॉर्चुनिटी में देखना चाहिए, क्योंकि क्रिसमस का जो हॉलीडे चलेगा 9-10 दिन का, भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दोनों मूवी फैमिली फ्रेंडली है, आप फैमिली के साथ जा सकते हो। तो एक देखी, यहाँ से आपका ठीक है, एक्शन मास मसाला आपने देख लिया, चलो अब स्विच करते हैं कॉमेडी, इमोशनल ड्रामा, ये चीज़ देखते हैं। मैं तो कहूँगा दोनों मूवीज़ का आप भरपूर मजा लीजिए बजाय कंपैरिजन करने के। दूसरा बात, अगर नंबर सी करें तो कौन सी मूवी जहाँ ज़्यादा कमाई कर सकती है, भाई दोनों मूवी कमाई कर सकती हैं, फाड़ के कमाई कर सकती हैं। दोनों मूवी का पोटेंशियल 1000 करोड़ टच करने का है। लेकिन चलो ठीक है, डंकी अगर ज़्यादा कमाई नहीं भी कर पाएगी ना, तो भाई ये दिल को छू के जाएगी, ये हर आदमी के दिल में राज करके जाएगी। सालार अच्छी खासी कमाई कर सकती है, क्योंकि एक्शन मास मसाला के लोग सब दीवाने हैं भाई। भाई दोनों मूवी ऑसम होने वाली हैं, दमदार होने वाली है। मैं तो इन्हें एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा हूँ, एक बेस्ट ऑफ बेस्ट एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से देख रहा हूँ कि भाई मुझे जो ना पसंद आया कि भाई यहाँ से बोर हो गए तो वहाँ चलते हैं, यहाँ से बोर हो गए तो वहाँ चलते हैं। तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोग पहले कौन सी मूवी देखेंगे और किस मूवी को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे? डंकी का टीजर आपको कैसा लगा? सालार के लिए कितना वेट है? जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।